सिंचन तू मेरे को एक बात बता, तू टीवी कब से देख रहा है? अरे सामने से हटो यार, टीवी देखने दो। सिंचन पिछले 4 घंटे से टीवी देख रहा है। अरे मत बंद मत करना फ्रेंगिल भैया यार। सिंचन बंद तो करनी पड़ेगी। सिंचन के बच्चे घर में इतना काम है और तू मजे से टीवी देख रहा है। अरे हाँ ये तो तुम सही कह रहे हो यार। वैसे तो अब तुम्हारी शादी होने वाली, तो घर में तो बहुत ही सारा काम है ना। गायज आपने लास्ट वाली वीडियो में तो देखा ही था गायज, लैश गायज मेरे रिश्ते वालों को लेके आया था। और गायज मेरा रिश्ता भी पक्का हो चुका है और गायज बस कुछ ही दिनों में मेरी शादी हो जाएगी। तो मैं क्या सोच रहा हूँ गायज, क्यों ना भाई अपने घर पे अपना एक स्टैचू बनवा है, वो भी काफी बड़ा। तो गाइस मैंने काम तो चालू करवा दिया है घर की छत पे। गाइस काफी सारे वर्कर भी आ चुके हैं और काम भी गाइस जोरों तोरों से चल रहा है। गाइस आपको पता है मैंने ना बचपन में एक चीज सोची थी कि गाइस जब भी मेरी शादी होगी ना तो भाई मैं अपनी छत पे काफी बड़ा स्टैचू बनाऊंगा, वो भी भाई सेम टू सेम मेरे जैसे दिखने वाला। तो गाइस मेरी शादी बस होने ही वाली है, मतलब डेट बस आने वाली है शादी की। शादी होने से पहले गाइस क्यों ना भाई छत पे स्टैचू बना ले जाए। भाई कितना काम चल गया। अरे अरे काम फ्रैंकल सर काफी जोरों तोरों से चल रहा है, सेम टू सेम डिटो आपके जैसे स्टैचू बनाया जाएगा और वो भी काफी बड़ा। इतना बड़ा स्टैचू बनाएंगे आपका, पूरे लॉस एंटोस में बनानी होगा, आप टेंशन मतलब। हाँ भाई ये हुई ना बात। और वैसे भाई तुमको बता दूं कुछ ही दिनों बाद मेरी शादी होने वाली है। शादी के बारे में हमें पता है, सब कुछ पता है और पहले हमको इनविटेशन भी मिल गया सबको। एक सेकंड भाई तुमको किसने बता दिया? अरे एक छोटा सा बच्चा है तुम्हारे घर में, उसने बता दिया। अच्छा तो सिंचन ने सबको बता दिया मेरी शादी के बारे में और सबको इन्वाइट भी कर दिया शादी में। काम करो भाई काम करो। अरे सर कर तो रहे, क्या कर रहे हो आप? अरे कुछ नहीं कर रहा भाई, इसी जगह पे बनेगा ना भाई एकदम स्टैचू। हाँ जी यही जगह पे बनेगा स्टैचू और काफी बड़ा बनेगा, काम चल रहा है, बन जाएगा 3 घंटे के अंदर अंदर स्टैचू। बढ़िया बढ़िया बनाओ और जितना सामान चाहिए उतना सामान लगाओ और जो मंगाना है वो मंगाओ, बाकी पैसों की टेंशन मत लेना। वैसे भी मैंने यार तुम्हारे बॉस को पूरे के पूरे 10 लाख रुपए तो दे दिए है और बाकी बाद में पैसे दे दूंगा स्टैचू बनने के बाद। ठीक है जी, हम तो कुछ कह ही नहीं रहे। हाँ तू क्यों ही कुछ कहेगा भाई, तू डीलर थोड़ी ना है, डीलर तो वो रहना उधर खड़ा है ब्लैक कलर में। हाँ तो उससे ही बात करो ना, आप मुझसे बात क्यों कर रहे हो? गाइस ये वर्कर भी ना पता नहीं कैसे कैसे होते हैं। अरे भाई ये काम क्यों नहीं कर रहे? ओए भाई डीलर काम क्यों नहीं कर रहे? अरे फ्रैंकल सर स्टार्ट होगा, काम स्टार्ट होगा, बस अभी अभी समोसे मंगाए, समोसे खाते ही काम स्टार्ट कर देंगे। करो भाई जल्दी करो, 3 घंटे के अंदर मेरा स्टैचू बन गया ना गाइस, सच में मजे ही आ जाएंगे। सिंचन के बच्चे चल रहा है कि मैं जा रहा हूँ सिंचन शॉपिंग करने। गाइस यार मैं ये चाहता हूँ भाई शादी से पहले सारे के सारे काम यार शादी के निपट जाए ना तो ही सही है, वरना गाइस शादी के टाइम पे अगर काम आ गया ना तो गाइस काफी प्रॉब्लम हो जाएगी। वैसे भी गाइस सिंचन ने भाई मेरा सपना देखा था शादी का और सिंचन ने मुझे बताया था गाइस शादी के दिन ना भाई मेरी पैंट तक खो गई थी, इसलिए गाइस मैं शादी के लिए भाई काफी सारे अपने लिए कोट पैंट लेके आऊंगा। सिंचन के बच्चे आ जा। अरे कहां जा रहे हो फ्रेंगिल बेल? लैम्बोर्गिनी कार से। वैसे भी ये कल ही लैम्बोर्गिनी खरीद के लाए सिंचन, कल लाए तो मतलब आज जा नहीं सकते कैसे कहीं। अरे बता भी दो कहां जा रहे हैं? सिंचन आज जा रहा हूं भाई मैं अपने लिए शॉपिंग करने, मतलब शादी की शॉपिंग करने। सिंचन कपड़े भी तो चाहिए शादी के लिए। अरे हां यार तुमको तो मस्त वाले कोट पैंट चाहिए और मेरे को भी कपड़े दिला लो पहले ही। हां सिंचन भाई तेल ले अपने लिए चॉप के लिए और सिंचन लैशर के लिए, फटाफट से शॉपिंग करते हैं। मैं तो सिंचन अपने लिए ना 5 कोट पैंट खरीदूंगा क्योंकि सिंचन तूने जो बताया था ना सिंचन कि तूने सपने में देखा है कि भाई मैंने मतलब पैंट ही नहीं पहनी थी अपने शादी के दिन, वो ही था फ्रेंकल भैया शादी वाले दिन यार तुम्हारी पैंट खो गई थी कोट पैंट की, इसलिए तुम यार नंगे गए थे। अच्छी बात तो यह है सिंचन भाई वो तेरा एक सपना था, अब तो सिंचन रियल में शादी हो रही है ना तो सिंचन इसलिए मैं ज्यादा ही कपड़े खरीद लू ताकि सिंचन अब की बार पैंट खो जाए तो सिंचन अपने पास एक्स्ट्रा कोट पैंट पड़े रहे। ओ ये जब से फ्रैंकल का रिश्ता तय हो गया शादी के लिए जब से बड़ा हल्ला मचा रखा ये फ्रैंकल के बच्चे ने, आज पता नहीं अपने घर पे इतने सारे लोग बुला लिए, चेक करना पड़ेगा कि कर हो क्या रहा है घर पे। लेकिन ये जो वर्कर है ये मेरे को कुछ बताएंगे नहीं तो मेरे को अपने जो खोपड़ी है उसे चलानी पड़ेगी। एक काम करता हूँ इनसे बोलूंगा कि मैं हूँ फ्रैंकल का पापा, बताओ आखिरकार यह हो क्या रहा है। हाँ ये खोपड़ी मेरी सही चली है और वैसे भी अभी फ्रैंकल तो घर पे होगा नहीं क्योंकि जब उसकी शादी होने वाली है तो वो तो काम में बिजी होगा ना। फ्रैंकल का बच्चा वो छोटा सा नाटा सा बच्चा क्या नाम है उसका, सिंचन। हाँ उस वो सिंचन भी घर पे नहीं होना चाहिए क्योंकि वो है बड़ी तेज खोपड़ी का, एक दिन मेरे गाल पे चांटा मार दिया था उसने उछल के, उससे थोड़ा सा मेरे को देख के रहना पड़ेगा। एक काम करता हूँ चढ़ जाऊँ क्या, आसपास तो कोई दिख नहीं रहा, बस उसका वो कुत्ता ना आ क्या नाम है उसका चॉप, हाँ वो चॉप से भी बड़ा डर लगता है, एक दिन मेरे पैर को धड़ने वाला था, वो तो अच्छी बात थी मेरे हाथ में डंडा था। ओए 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 मेरी बात सुनो। अरे कौन है भाई कौन है कैसे हल्ला मचा रहे हो? मैं क्या कह रहा हूँ मैं हूँ उसका पापा। अरे किसके पापा हो भाई किसके पापा हो? अरे उसका फ्रैंकल का पापा, फ्रैंकल का, ये बताओ यहाँ हो क्या रहा है? अच्छा अंकल जी नमस्ते। हाँ नमस्ते ठीक है बेटा, आशीर्वाद दूंगा बाद में, पहले ये बताओ आखिरकार हो क्या रहा है यहाँ? अंकल जी वो आपका लड़का यहाँ अपनी मूर्ति बनवा रहा है काफी बड़ी। अच्छा मेरा लड़का मूर्ति बनवा रहा है, तो एक काम करो ये सब काम वाम छोड़ो चलो निकलो अपने अपने कर लो। अरे अंकल ऐसे कैसे होगा, कॉन्ट्रैक्ट ले लिया हमने, अब तो मूर्ति बना के छोड़ेंगे और साथ में अंकल जी उसने पेमेंट भी कर दिया है तो मूर्ति तो अब बन के रह गई अंकल जी। वैसे आप अपने बेटे से बात कर लो। ओए रुक जाओ काम रखो काम रखो, यहाँ कोई स्टैचू नहीं बनेगा, चलो अपना ये बोरिया बिस्तर उठाओ और निकलो यहाँ से निकलो। ओए तेरे मुंह पे इतना चाटा पड़ेगा ना समझ रहा है, निकल यहाँ से। अरे ऐसे कैसे निकल जाए, कॉन्ट्रैक्ट मिल चुका है अब हमको, बस काम चालू ही करने वाले
हैं, समोसे का वेट कर रहे हैं, समोसे चाय मिल जाए उसके बाद तुरंत काम चालू करके 2 घंटे के अंदर उनकी स्टैचू बना देंगे, वो भी बहुत बड़ा। लगता है तेरी खोपड़ी में घुसती रही, मैं फ्रैंकल का पापा हूँ। पापा? अरे पापा हो चाहे कोई भी हो, हमें कोई मतलब नहीं। चलो फुटो यहाँ से, अपने लड़के को बुला के लाओ या अपने लड़के से बात करो, उन्होंने बोला क्यों। लगता है ये कोई भी मेरे को फ्रैंकल का पापा समझ रहा, तो क्या करूं मैं, लगता है मेरे को घर ही जाना पड़ेगा। तो फाइनली गाइस मैंने अपने लिए, सिंचन के लिए और लैश के लिए गाइस कपड़े तो खरीद लिए, और गाइस हमारी हो चुकी है शादी की शॉपिंग डन। गाइस मैंने अपने लिए काफी सारे कपड़े खरीदे हैं, और मोटे भाई तूने फोटो वोटो तो खींच ली होगी। सिंचन ये कुछ बोल क्यों नहीं रहा? अरे फिंगल भाई वो हमारी लैम्बोर्गिनी से काफी दूर खड़ा है मोटा इंसान, तो यार वो कुछ बोलेगा क्यों। चल छोड़ सिंचन, इसने फोटो खींची हो या ना खींची हो हमें क्या ही मतलब, हमें तो सिंचन खुश होना चाहिए क्योंकि सिंचन ये लैम्बोर्गिनी भाई अपनी है। अरे हाँ ये बात तुम सही कह रहे हो, चलो फटाफट से घर चलते हैं यार। देखो भाई लोगो मेरी बात सुनो, हमने बहुत मेहनत करी और फाइनली उस फ्रैंकल का स्टैचू तैयार कर दिया, समझ रहे हो ना, बहुत मेहनत लगी है। तो चलते हैं थोड़ी पार्टी वार्टी करते हैं। अरे हाँ बस ये तो मुंह की बात छिल ली, इनका स्टैचू बनाते बनाते थक गए। वही तो, स्टैचू बना के तैयार कर दे एकदम डिट्टो फ्रैंकल जैसा, अब निकलते हैं पार्टी करके आते हैं। 10 लाख फ्रैंकल ने पहले दे दिए थे तो उससे बाद में लेंगे जो बच्चे कुछ पैसे। अरे बस मैं क्या कह रहा हूँ, पिज्जा खिलाओगे? अबे पिज्जा कोल्ड ड्रिंक सब पियेंगे, टेंशन मत लो। चलो निकलते आओ मेरे साथ, चलते थोड़ी पार्टी वार्टी करके आते हैं। वैसे भी कुछ ही दिनों में उस फ्रैंकल की शादी है, खाना तो उस दिन भी मिलेगा खाने को हमें। अरे छमिया तू देख रहा है ये क्या हो रहा है अपने लॉस सेंटोस के अंदर? जी बस देख रहे, हमारी भी आंखें तुम्हारी तरह। छमिया देख ज्यादा ना बोले कर, वरना यही लिटा लिटा के मारूंगा किसी दिन। देख रहा है छमिया, किसी ने अपनी स्टैचू बनवाया है और पूरा आसमान तक छुपा दिया अपना स्टैचू छमिया। अरे बॉस ये तो बहुत ही बड़ा है, इसके घर से भी बड़ा है बॉस। वही तो छमिया, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है इसका स्टैचू, फोटो खींच के बॉस को सेंड करता हूँ, उसके बाद बॉस से बात करते हैं क्योंकि बॉस का भी स्टैचू इतना बड़ा बनना चाहिए, हम तो ये चाहते हैं। अरे हाँ बॉस ये तो मुंह की बात छीन ली, बॉस हम क्या कह रहे हैं फोटो खींच दो। अरे छमिया खींच दिया फोटो, कितना ही बड़ा स्टैचू बनवाया इस लड़के ने। मेरे को ऐसा लगता है छमिया के ये जो स्टैचू है ना, ये उसी आदमी का है जिसका ये घर है। अरे हाँ बॉस ये भी बात आप सही कह रहे हो, अपने बॉस से बात करो ना, बड़े बॉस से, ताकि बड़े बॉस हमको इनाम दे सके। हाँ छमिया रुक जा, अपने बॉस को कॉल करके पूछना पड़ेगा स्टैचू के बारे में। अरे बॉस। अरे क्या हो गया गुल्लू, क्या बात है, कॉल पे कॉल मिला रहे हो कुछ दिन से? अरे मैं क्या कह रहा हूँ बॉस, हमारी लॉस सैंटोस के अंदर एक आदमी ना अपना स्टैचू बनवाया बहुत बड़ा, आप भी बनवाओगे? ये तो मुंह की बात है, लेके आओ उस बंदे को, उससे पूछ के हम भी बनवाएंगे अपना स्टैचू, जल्दी लेके आओ उसको किडनैप करके हमारे अड्डे पे। सिंचन तुझे क्या लगता है भाई, मेरा स्टैचू बन के तैयार हुआ होगा या फिर नहीं हुआ होगा? अरे ऊपर देखो फ्रैंकल भैया। एक सेकंड सिंचन, ये तो भाई मेरा डिट्टो स्टैचू है। रुक सिंचन, अभी भाई अपनी टेरेस पे चढ़ते हैं, उसके बाद देखते हैं सिंचन मेरे जैसा भाई सेम टू सेम उन्होंने भाई स्टैचू बनाया या फिर सिंचन मेरे से थोड़ा अलग बनाया होगा। वैसे तो सिंचन जब हम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे थे उन्होंने बोला था डिट्टो बनाएंगे, और एक बार चेक कर सिंचन, ये तो सेम टू सेम भाई मेरी तरह है, और सिंचन जितना बड़ा मैंने बोलता उससे बड़ा ही बना दिया ना उन्होंने तो मेरा स्टैचू। और सिंचन भाई जल्दी आ। अरे फेंगल भाई मैं क्या सोच रहा हूं यार, मुझे इसकी टाट पे चढ़ा दो, मतलब सिंचन मतलब यार इसके सर पे चढ़ा दो इस स्टैचू के। उसके लिए तो सिंचन भाई सीढ़ी चाहिएगी इसके सर पे चढ़ने के लिए, और वैसे भी सिंचन ये इसका नहीं भाई, ये मेरा स्टैचू है, तो इसको बोल फ्रैंकल के सर पे। अरे हाँ फ्रैंकल भैया मुझे अपने सर पे चढ़ा ले फटाफट से फ्रैंकल भैया। उसके लिए सिंचन सीढ़ी लानी पड़ेगी, और वैसे भी सिंचन इतनी बड़ी सीढ़ी पॉसिबल कैसे होगी भाई, काफी बड़ा स्टैचू बना दिया सिंचन, मेरे को तो उम्मीद भी नहीं थी। और एक बार गाइस इसके पैर चेक करो यार, मतलब सिंचन जितनी मेरी हाइट है ना इस स्टैचू के सिंचन उतने बड़े तो पैर है, मतलब जूते हैं। अरे चेले मैं क्या कह रहा हूँ, छत पे देख वो आदमी भी आ चुका है चेले, उसकी शक्ल सेम टू सेम इस स्टैचू से मिलती है। आ चेले इसको फटाफट से गाड़ी में डालते और लेके चलते हैं बॉस के पास। जी बॉस जैसा बोलो वैसा करेंगे। हाँ तो चेले फटाफट से पकड़ के कैद करके लेके चलेंगे बॉस के पास, उसके बाद चेले ये हमारे बॉस को पता बताएगा आखिरकार इसने इतना बड़ा स्टैचू बनाया तो बनवाया कैसे। तो फिर उसके बाद जब ये बताएगा बॉस को कि ऐसे बनवाया, फिर उसके बाद टेले हमारा बॉस की भी इतनी बड़ी वो बनेगा स्टैचू। अरे बॉस रोक दो गाड़ी, क्या करके मानोगे? अरे वाह चेले देख रहा है इस बंदे के पास तो लैम्बोर्गिनी भी है चेले, क्या करते हैं फिर? अरे बॉस लैम्बोर्गिनी चुरा के भाग लेते ना। अरे चुप, लैम्बोर्गिनी चुरानी नहीं है, उस बंदे को लेके जाएंगे। कोई है? अरे कोई सुन रहा है आवाज? एक सेकंड सिंचन, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है भाई जैसे नीचे से कोई सिंचन मुझे आवाज दे रहा है? अरे लगते है फ्रैंकल भैया ये लड़की वाले आ गए। अबे लड़के वाले नहीं सिंचन, लड़की वाले आए होंगे। और भाई कौन लोगे तुम? अरे हम क्या कह रहे, हमें प्यास लग रही थी तो पानी पिला दोगे? पानी पीना है क्या तुमको? हाँ जी बहुत तेज प्यास लग रही थी, तुम्हारी गली से जा रहे थे तो हमने सोचा क्यों ना इस घर से पानी मांग लेते हैं। अच्छा तो मतलब तुम मुझे जानते नहीं हो? ना हम कैसे जाने तुम्हें, हम नहीं जानते। चले तू भी कुछ बोल। अरे बॉस क्या बोले, जो आप बताते हो वही तो बोलते हैं। अरे चले कुछ भी बोल दे। अंकल जी नमस्ते। ओए अंकल दिख रहा हूँ क्या मैं तेरे को? अभी तो भाई मेरी शादी भी नहीं हुई और तूने मुझे अभी से अंकल बना दिया। सिंचन के बच्चे जल्दी नीचे भाई, इनके लिए तुझे पानी लाना है। अरे क्या लाना है फ्रैंकल भैया? पानी लिया सिंचन इनके लिए।
अरे ये कौन है फ्रैंकल भैया? सिंचन पता नहीं कौन है, लेकिन सिंचन पानी पिलाना तो अच्छी बात है ना, तो जुजा और फटाफट सिंचन इनके लिए पानी लेके आ। ठीक है लेके आता हूँ यार, बड़ी वाली बोतल लाऊंगा ताकि इनका यार पेट भर जाए पानी पीते पीते। चले सही मौका है, क्या करूं, लगा दूं निशाना? जी बस लगा दो, मुझसे पूछोगे क्या? हाँ जी ये लगा दिया निशाना, बहुत बढ़िया गिरा दिया इसको। और मेरे को क्या हो रहा है? चले चले मार चले। अरे बॉस आप मारो, मैं क्यों मारूं? बढ़िया बढ़िया चले, एक शॉट में लुढ़का दिया इसको, मेरा चेला भी उछल के पीछे गिर गया, देख रहे हो बेहोश कर दिया। ये जो मेरे पास मशीन है ना, ये है बेहोश करने वाली मशीन, करंट मारते हिट कैसे करंट, समझ रहे? चले बॉस आपने तो मेरे ऊपर भी मशीन चला दी। चुपचाप चेले से बैन के अंदर डाल, अब मैं तो तेरे को बताना ना पड़े। अरे बॉस डाल दिया। क्या डाल दिया? हाँ जी बॉस, इसकी बाजू पकड़ी और वैन के अंदर फेंक दिया इसे। अरे चेले मरना नहीं चाहिए ये। अरे बॉस आराम से वैन के अंदर रखा है, आप टेंशन ना लो। आ तो फिर बैठ फटाफट से वैन में, चलते हैं अपने बड़े बॉस को दिखाएंगे, इसके जैसी मूर्ति बनवाएंगे फिर बड़े बॉस। तुझे पता है बड़े बॉस हमसे अब कितने खुश होने वाले हैं? जी बॉस, क्योंकि बड़े बॉस की जब घर में बड़ी मूर्ति बनेगी तो बॉस तो बहुत खुश होंगे। हाँ हाँ, उसका स्टैचू बनवाएंगे अपने बड़े बॉस का, लेकिन अभी से बड़े बॉस मत बोल, क्योंकि अभी वो हमारे सामने थोड़ना है। अरे गाइस घर में ठंडा पानी तो है ही नहीं, उनसे पूछ के आता हूँ ठंडा पानी पियोगे या फिर नॉर्मल पानी पियोगे। अरे हाँ जब ठंडा नहीं है तो नॉर्मल ही लाना पड़ेगा, लेकिन कहाँ गई यार? अरे फ्रैंकल भैया दिख रही और वो दोनों भी दिख रही, और तो और गाइस वो वैन भी नहीं दिख रही यार। अरे फ्रैंकल भैया किधर गए यार तुम? और वो लोग कहाँ गए जिनको प्यास लग रही थी? पता नहीं गाइस कहाँ ही चले गए, मैं क्या करूँ यार, टीवी देखूँ क्या जाके? लेकिन गाइस मुझे कुछ अच्छा वाइब नहीं आ रही यार, कुछ गड़बड़ लग रही है, कहीं यार वो फ्रैंकल भैया को वैन में डाल के तो नहीं ले गई? नहीं गाइस ऐसा तो हो ही नहीं सकता यार, ये पॉसिबल ही नहीं है। ओए बच्चे, ओए बच्चे मेरी बात सुन। ओ पड़ासी अंकल तू तो चले जा। ओ बच्चे मैंने देखा उन्होंने तेरे भैया पे मिसाइल चलाई। मिसाइल? मिसाइल चलाई? हाँ बच्चे चलाई गोली, उसके बाद तेरे भैया को वैन में डाल के ले गए। सच बोल रहा बच्चे, प्रॉमिस बोल रहा प्रॉमिस। अरे सच बता टकले। अरे बच्चे टकला मत बोल, एक तो तेरे को सच्चाई बता रहा हूँ। अरे तो चलो फिर अंकल, चलो उस वैन का पीछा करो। बच्चे मेरी बात ध्यान से सुन, तू मुझे शादी में बुलाएगा ना, जब भी तेरे भैया को बचाऊंगा। अरे हाँ जरूर बुलाएंगे यार, आप तो हमारे पड़ोसी हो। ठीक है देख, मैं भी आज से तेरे घर के बाहर कभी कूड़ा नहीं फेंकूंगा, बस तू मुझे शादी में बुला लियो। अरे अंकल बुला लेंगे यार। तो ठीक है, तेरी लैम्बोर्गिनी से चले पुलिस स्टेशन चलते हैं, और सबसे पहले पुलिस स्टेशन जाके रिपोर्ट लिखवाते हैं कि आखिरकार क्या क्या हुआ। मैं बनूंगा चश्मुद्दीन गवाह, समझ रहे हैं? अरे क्या बनोगे? चश्मुद्दीन गवाह बनूंगा, मतलब कि मैंने अपनी आंखों से देखा तेरे फ्रैंकल भैया को ले जाते हुए, समझ रहे? जल्दी बैठ जल्दी बैठ। अरे वाह यार, फ्रैंकल भैया की लैम्बोर्गिनी में दोबारा बैठने को मिला, लेकिन अंकल थोड़े आराम से चलाना यार, हमने ना कल ही खरीदी है ये। अबे बच्चे तू टेंशन मत ले, तुझे पता है तेरी जो मूर्ति बनी है ना फ्रैंकल भैया की, मुझे काफी अच्छी लग रही है। अब चलते हैं फटाफट से तेरे भैया को बचाते हैं, पहले तो पुलिस स्टेशन जाएंगे, समझ रहा है? क्योंकि मुझे लगता है इन लोगों से डर जो भी चोर वोर होता है, समझ रहा है ना? और तू ना एक और प्रॉमिस करते फटाफट से, रसगुल्ले खिलाएगा मेरे को। अरे सब कुछ खिला दूंगा यार, तुम क्या खाना चाहते हो बताओ? आइसक्रीम खाऊं? खिला दियो मेरे को पनीर की सब्जी और रसगुल्ले, फटाफट से अभी खिला। अरे डॉक्टर ने तो बोला था इसे एक घंटे के अंदर होश आ जाएगा, लेकिन एक घंटे से ज्यादा हो गए, शाम हो गई, अब तक इसको होश क्यों नहीं आया, जल्दी बता। अरे हमें लगता है कि इसको होश नहीं आने वाला जिंदगी में कभी। ओए ऐसा ना बोल, मेरे चेलों ने कोई मार तो नहीं दिया? अरे पर बॉस वो तो बोल लेते कि उन्होंने बस करंट दिया इसे। अरे तो होश भी तो आ जाना चाहिए इसे, डेढ़ घंटा हो गया अब तक यहाँ पे पड़ा हुआ है, होश आया नहीं। इसकी मूर्ति बनवाने के चक्कर में हमारी मूर्ति ना बन जाए कहीं। अरे बस आप मतलब इसकी मदद से अपना स्टैचू बनवाना चाहते हो ना, ये बोलो। हाँ हाँ मेरे चेले यही बात है। और उन दो नमूनों को बुला जिसने इनको बेहोश करके वैन में डाल के लाते, बुला उनको। जी बॉस बुला देता हूँ, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? वैसे बॉस अगर इसको कुछ हो गया तो आप संभाल तो लोगे ना केस? अब केस संभालता बूढ़ा हो गया, अब भी बुढ़ापे में भी केस संभालू क्या मैं? एक सेकंड, इसने करवट चेंज करी, इसका मतलब ये होश में आ सकता है, जल्दी होश में लाते हैं इसे। अरे पानी लाना पड़ेगा। एक सेकंड भाई, ये कहाँ पे आ गया यार मैं? अरे बाबरे उन दो बंदों ने यार मेरे ऊपर गन चलाई थी, आप कौन हो यार? अरे मेरे बारे में जानता तू? मैं बहुत बड़ा माफिया हूँ लॉस सैंटोस का, और तू अभी मेरे झांसे में, अगल बगल देख ले कितनी सिक्योरिटी है, गन मारेंगे तेरी खोपड़ी में और तू यहीं डिस हो जाएगा। ओ भाई प्लीज मेरे को छोड़ दे भाई, मैंने कुछ बिगाड़ा थोड़ा है। अरे तूने कुछ नहीं बिगाड़ा, ना मैं तेरा कुछ बिगाड़ूंगा, बस तू 5 महीने की बात है, 5 महीने तक मेरे घर पे रहे, और जैसी तूने अपनी स्टैचू बनवाया ना अपने घर पे, सेम टू सेम मेरे घर पे भी मेरा स्टैचू बनवा, वो भी इतना ही बड़ा। ओए भाई प्लीज मेरे को छोड़ दे, मेरे पास 5 महीने नहीं है भाई, इसी महीने मेरी शादी है। क्या कहा, एक और बार बोलियो। अरे भाई इसी महीने मेरी शादी है, मैं सच बोल रहा हूँ। फिर तो बस आप रहने से, मैं हैंडल करता हूँ, आ जा मेरे पीछे, तुझे मैं हैंडल करूंगा। ओए ये कोई भागना नहीं चाहिए, समझ रहे ना? अरे बस इसको छोटी सी ट्रीटमेंट देना चाहता हूँ, ट्रीटमेंट, आज इसमें इतने चांटे बजाऊंगा ना, इतने चांटे बजाऊंगा ताकि ये कभी मेरे बॉस से जुबान न लड़ा सके। आज इसने मेरे बॉस से जुबान लड़ाई, बोल रहा है कि शादी है शादी है, आज तेरी शादी मैं बनवाता हूँ। अबे भाई तू मुझे लेके कहाँ जा रहा है? अरे तुझे पता है कितना बड़ा गुंडा हूँ, आज तेरे गाल पे चांटे बजाता चले जाऊंगा। ये इतने छोटे मोटे लोगों को
मैंने कितना पीटा जिंदगी में, आज इसे भी पीटूंगा अच्छे से। आजा मेरे पीछे पीछे अचेले, और इसे अपना चेला भी बना लूंगा, इसकी शादी करवाते अच्छे से। आजा आजा आजा, हिम्मत है तो आ जल्दी। वैसे यार ये सही मौका है गाइस, यहाँ पे कोई नहीं, सिर्फ ये बंदा और सिर्फ मैं बंदा हूँ, क्यों ना गाइस इसको पेल के यार यहाँ से मैं निकल जाऊँ। हाँ गाइस ये सही बात है, लेकिन मैं हूँ कौन से रास्ते पे भाई, एक बात बता, अरे मैं हूँ कहाँ पे? अरे मैं क्यों बताऊँ तुझे, तू कहाँ पे, कहीं तू भाग गया तो? वैसे मैं भाग जाऊंगा तुम्हें लगता है? अरे मेरे होते हुए तू कभी जिंदगी में भाग ही नहीं सकता, तुझे पता है मैं अकेला 100 की सिक्योरिटी हूँ, ये समझ ले। भाग तो मैं यूं ही जाऊंगा, वैसे गाइस इसकी शक्ल अच्छी नहीं लग रही। ये ले पहले घुसका भैया, इतना ना मारो भैया, काय को मारो, ये ले, ये भी ले। बेटा तुम मुझे किडनैप करके लायो ना भैया, बस 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 कर दो भैया, होश में ला दो हमें, कोई पानी पिला दो, पानी पिलाएगा अब तेरा बॉस तुझे। लेट्स गो गाइस, निकलता है, ये लो भाई कूद गया। ओ बाप रे, लग और गई गाइस मुंह पे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं गाइस, वहां से तो मैं भाग चुका हूँ। अब जल्दी गाइस इस पहाड़ी से भागते भागते मुझे अपने घर पहुंचना होगा। अरे यार जल्दी चलता हूँ भाई, अभी गाइस मैंने अच्छे से यार अपना स्टैचू भी देखा, जल्दी घर भागता हूँ भाई और अच्छे से अपना स्टैचू देखूंगा, आखिरकार स्टैचू में क्या क्या काम हुआ है। और गाइस अगर आप लोगों को इस वीडियो का पार्ट 3 देखना है तो फटाफट से गाइस कमेंट करके बता दो। हाँ गाइस फटाफट से कमेंट करके बता दो अगर आप लोगों को शादी एपिसोड 3 देखना है तो। और गाइस अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो क्या करो गाइस, फ्रैंकल सिंचन आपके भाई, तुम्हें फटाफट से गाइस अभी के अभी इस वीडियो को लाइक कर दो और गाइस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं गाइस आपको नेक्स्ट वीडियो में, तो गाइस प्यार वाला बाय।